नमस्कार बच्चों, अपने बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहे थे बिजनेस स्टैटिक्स में परिमाप, विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज में परिमाप विचलन है वो किस प्रकार निकाला जाता है, इसके अपने सवाल हल करके देखे थे। और आज अपने पढ़ते हैं खंडित श्रेणी में परिमाप विचलन, यानी डिस्क्रीट सीरीज में जो परिमाप विचलन है स्टैंडर्ड डेविएशन वो किस प्रकार निकाला जाएगा। तो खंडित श्रेणी में परिमाप विचलन, पहला है प्रत्यक्ष रीति डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड के अंदर दो तरीके होते हैं, विचलनों के आधार पर और मूल्य वर्गों के आधार पर। यानी इंडिविजुअल सीरीज में जितनी भी डेविएशन से अपने परिमाप विचलन ज्ञात करते थे वो सेम ही विधा यहाँ पर है। देखो, पहली है प्रत्यक्ष रीति डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड के अंदर दो तरीके हैं। पहला होता है विचलनों के आधार पर और दूसरा होता है मूल्य वर्गों के आधार पर। नंबर एक है विचलनों के आधार पर, और इसमें अपने विचलन जो है वो समांतर माध्य से लेते हैं, और इसका फॉर्मूला है सिग्मा बराबर समेशन एफ डी स्क्वेयर बट्टे एन, और ये सारा रूट के अंदर है। देखो, इंडिविजुअल सीरीज में तो होता है समेशन डी स्क्वेयर बट्टे एन, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती, और खंडित श्रेणी में फ्रिक्वेंसी होती है, तो यहाँ हो जाएगा समेशन एफ डी स्क्वेयर, यानी अपने डी स्क्वेयर निकालेंगे फिर उसको एफ से गुणा कर देंगे। और सेकंड है मूल्य वर्गों के आधार पर, और इसका फॉर्मूला सिग्मा बराबर है समेशन एफ एक्स स्क्वेयर बट्टे एन माइनस समेशन एफ एक्स बट्टे एन और इसकी स्क्वेयर, और ये फिर रूट के अंदर है। इस फॉर्मूले को भी यदि आप देखोगे तो ये फॉर्मूला भी इंडिविजुअल सीरीज वाला सेम ही फॉर्मूला है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वेयर बट्टे एन, बस इतने होते हैं, क्योंकि उसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती। और खंडित श्रेणी के अंदर क्या है कि फ्रिक्वेंसी होती है, तो ये एक्स स्क्वेयर फ्रिक्वेंसी से गुणा हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर इंडिविजुअल में होता है समेशन एक्स, क्योंकि उसमें और यहाँ फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ हो जाएगा समेशन एफ एक्स, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वेयर निकालेंगे उसको एफ से गुणा करेंगे, और उधर एक्स को एफ से गुणा कर देंगे। ये तो वह प्रत्यक्ष रीति डायरेक्ट मेथड। और सेकंड आपके होते हैं लघु रीति या अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड। इसमें क्या होता है कि परिमाप विचलन निकालते समय विचलन जो है वो हमेशा कल्पित माध्य यानी एज्यूम्ड मीन से लिए जाते, और इसका फॉर्मूला है सिग्मा बराबर समेशन एफ डी एक्स स्क्वेयर बट्टे एन माइनस समेशन एफ डी एक्स बट्टे एन और इसकी स्क्वेयर, और ये फिर सारा रूट के अंदर। इस फॉर्मूले को आप देखो तो ये फॉर्मूला भी इंडिविजुअल सीरीज के समान ही है। इंडिविजुअल सीरीज में होते हैं समेशन डी एक्स स्क्वेयर बट्टे एन, और यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी से गुणा हो जाएगा तो एफ आ जाएगा, और यहाँ पर होता है समेशन डी एक्स, और यहाँ ये फ्रिक्वेंसी से गुणा हो जाएगा तो एफ आ जाएगा। यानी व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी के अंदर फॉर्मूले में बस इतना ही फर्क होता है कि व्यक्तिगत श्रेणी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती और खंडित श्रेणी में फ्रिक्वेंसी होती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो अपने वैल्यू निकालते हैं जैसे डी या डी स्क्वेयर या डी एक्स स्क्वेयर, तो वो लास्ट में जाकर एफ से गुणा हो जाएगा खंडित श्रेणी के अंदर। और आगे है अखंडित या सतत श्रेणी में परिमाप विचलन। अखंडित या सतत श्रेणी में परिमाप विचलन,
देखो सतत श्रेणी में परमा फिसल निकालने की ये दो विधियां तो है ही जो व्यक्तिगत और आपके खंडित में थी। इसके अलावा एक और विधि, तो इसमें पहली विधि है प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड व्यक्तिगत में भी होती है और खंडित में भी होती है। और डायरेक्ट मेथड में दो तरह से अपने सवाल को हल कर सकते हैं, एक है विचलनों के आधार पर और दूसरा होता है मूल्य वर्गों के आधार पर। ये तो हुई डायरेक्ट मेथड। और सेकंड है इसमें अप्रत्यक्ष या लघु रीति, इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड। ये भी व्यक्तिगत और खंडित दोनों में ही होती है। और अब मैंने यहाँ पर एक नोट डाला, प्रत्यक्ष रीति या लघु रीति में खंडित श्रेणी वाले सूत्रों का ही प्रयोग किया जाता है। देखो अखंडित या कंटिन्यूस रीति, सतत श्रेणी में परमाप विचलन प्रत्यक्ष रीति के अंदर विचलनों के आधार पर और मूल्य वर्गों के आधार पर, और सेकंड आके अप्रत्यक्ष लघु रीति, इसमें फॉर्मूले खंडित श्रेणी वाले सेम ही है। सतत श्रेणी में जो फॉर्मूले हैं वो खंडित श्रेणी वाले सेम ही होंगे, क्योंकि सतत श्रेणी में क्या होगा कि अपने को ग्रुप दिए हुए होंगे और उन ग्रुप से अपने मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालते ही सतत श्रेणी खंडित श्रेणी का रूप ले लेगी, क्योंकि उसमें भी फिर वैल्यू और फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, और खंडित श्रेणी में भी वैल्यू और फ्रिक्वेंसी ही होती है। यानी ग्रुप के जैसे ही हम मिड वैल्यू निकालेंगे सतत श्रेणी खंडित श्रेणी का रूप ले लेगी और आगे सवाल खंडित श्रेणी की तरह ही उसमें होगा और खंडित श्रेणी वाले फॉर्मूले ही उसमें लगाए जाएंगे। इसके अलावा अखंडित या सतत श्रेणी में परमाप विचलन ज्ञात करने की एक और विधि होती है पद विचलन रीति।